जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सभागार में एक दिवसीय नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद व दिनेश खटिक सहित अन्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में की जल सुरक्षा के लिए कार्य की सराहना की और नदी पुत्र रमणकांत के प्रयासों को भी सराहा। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार जल सुरक्षा की दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रही है और पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। हमारे नदी पुत्र श्री रमणकांत जी के प्रयासों से आज संत महात्मा विशेषज्ञ अपने फारूक के कारण समाज सेवी सरकार हम सब लोग एक छत के नीचे आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चिंतन से निकले सुझाव आने वाले समय में नदियों का पुनर्जागरण में लाभकारी साबित होगा। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री ने नदियों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्राचीन काल से मानव जाति का विकास नदियों के किनारे से होता रहा है। नदियों का महत्व जीवन में इस तथ्य से मूल्यांकित किया जाता है कि प्राचीन काल से मानव जाति का विकास नदियों के किनारे होता रहा है, क्योंकि मानव को जीवन यापन के लिए जल की उपलब्धता और आवश्यकता दोनों की जरूरत होती है। नदियां सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कई रूप से सहायक मानी जाती रही है। नदियां हमें जल प्रदान करने के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी देती है। इसके अलावा नदियों से खेतों के लिए सिंचाई के पानी, कुछ क्षेत्रों में पीने के लिए साफ पानी के साथ साथ मछली पालन जैसे रोजगार का अवसर भी देती है। सैकड़ों वर्षों से तमाम ऋषियों ने भारत के पवित्र नदियों के किनारे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। नदियों और जल संरक्षण की योजनाओं का जिक्र करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने डबल इंजन की सरकार की तारीफ की और कहा कि देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। कैच द रेन अटल भूजल योजना, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण, नदियों को उचित रूप से जोड़ना, जल जीवन मिशन, इन सब का लक्ष्य है। देश के जन जन को जल सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी के सपने नदी जोड़ो अभियान को साकार करने वाला देश का प्रथम राज्य है। श्रद्धेय अटल जी के इस विजन से जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केंद्र की सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसका लाभ आज जन जन तक पहुंचेगा। संपूर्ण बुंदेलखंड को भी मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। आज समय है, समय की मांग है कि हम नदियों को पुनर्जागृत करके उन्हें शहरी जीवन के केंद्र में पुनः वापस लाएं, जो क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सके। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाना, नदियों को सिंचाई व्यवस्था हेतु बेहतर उपयोग में लाना, कृषि क्षेत्र में नदियों के महत्व को समझाना, नदियों के पर्यटन से जोड़ना और नदियों में रह रहे जीवों की रक्षा करना जैसे विभिन्न विषयों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।